गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। तो जैसे कि कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, आप लोग सब जानते हैं 22 तारीख को, तो आज 23 तारीख को हमने रखी अपने घर पे रामायण, तो उसी का कार्यक्रम हो चुका है स्टार्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर चल रहा अभी टेंट का काम और यहाँ पर सामान वामान पकड़ा दिया मुझे यार, अपनी हालत की जिस तरह से कर दी है। और पंडित जी भी बन के रेडी हो चुके हैं तैयार। चलो अब चलते हैं मंदिर की ओर को। हाँ धूप भी आ रखी है अच्छी खासी। मैं अभी पहुँचा ही हूँ। हाँ 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 ठीक है। यहाँ पर देखो आप, कोई आ रहा है सामने से और ये बात चल रही है पंडित जी की और भैया की, खाने की क्या क्या व्यवस्था करनी है करके। सामने से देखिए 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 कैसे आ रही। देखिए ये है हमारा मंदिर, हमारा ये गिर गया। तो ये हमारा मंदिर है, वहाँ सामने हमारा घर है और ये हमारी बीवी है जिसे पल्लू ने संभाला जा रहा है अपना मंदिर। यहाँ पर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। तो ये देखिए मेरे ब्लॉग में घुसने की कोशिश कर रही है व्यू पाने के लिए। कमी लग रही है हमें और अब नहीं लगेगी। ए तो अब हमने पहन लिया टोपी, सही लग रही है। धो दी होगी ना वॉशिंग मशीन में, सही कर लेना इसको। तो अब हमने पहन लिया पहाड़ी टोपी, कैसा लग रहा है बताना आप लोग इसको सही कर लेना। और ये अपना कोई जाना बजाना सा लग रहा है। कौन है, कौन है, क्या नाम है? कौन सा? भार्गव। भार्गव तेरा नाम तो भार भार्गव है ना? हाँ। तो भार्गव क्यों कह रहा? क्यूटी सी। तेरा नाम क्या है, क्या नाम है? लाल कैसा हो रखा है, टमाटर जैसा। अभी पंडित जी ने थोड़ी सी करी है कर पूजा स्टार्ट और अभी भी मैं बाहर शिव जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद हम लोग करेंगे रामायण का समापन। और ये थोड़ा सा देखिए आप, और यहाँ पर ये UK 04 वाली तैयार हो चुकी है पूजा की थाली वाली लेके। टाइल हो रहे बहुत ठंडे, मतलब ये नीचे फर्श ठंडा हो रहा है, मैंने मोजे वोजे कुछ भी नहीं पहने, बहुत ही ठंडा लग रहा है। तब देखिए कैसे लगता है, देखिए आज ये बिल्कुल पहाड़ी जो लुक होता है लड़कियों का, औरतों का, मतलब लड़की जो नहीं रही अभी औरत हो गई है। तो ये है, तो यहाँ पर है भैरव देव जी मंदिर। देखिए अगर आप अच्छे ओनी हो आपकी तो ऐसे सर पे ऐसी चोटें लगती रहती हैं।